हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का जो है एमसीक्यू, जो कि आपका चैप्टर 5 का होगा। चैप्टर का नाम है खनिज ऊर्जा और संसाधन। तो आइए देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी। तो जो कच्ची कपास है वो इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी, तो ये जो है आपका मुंबई पतन से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? मुंबई पतन, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से कब बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया। तो यह जो है कब बढ़ी, तो ये 1960 में बढ़ी थी। कब बढ़ी थी? 1960, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फॉर्म कहाँ स्थित है। तो पवन ऊर्जा का जो विशाल फॉर्म है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलती है। तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र को जो है पानी किस नदी से मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी ए और बी दोनों से, स्वर्णरेखा नदी और खारकोई नदी, यानी ऑप्शन नंबर D जो है इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के सहचार्य से किस कंपनी की स्थापना की गई। तो 1937 में जो है किस कंपनी की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर D, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन, वर्नरपुर लोहा और इस्पात उत्पादन, ऑप्शन C है जैसा कि कोलकाता आसनसोल के निकट लौह इस्पात, तो ऑप्शन D जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी मैग्नीज का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी भारत सरकार द्वारा कब अधिग्रहित की गई। तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी जो है कब अधिग्रहित की गई, तो इसका सही आंसर होगा 1972 से 73, यानी ऑप्शन नंबर B जो है राइट है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 में विदेशी सहयोग से कौन से नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी राउरकेला ओडिशा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये तीनों जो लगाई गई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। तो कठोर कोयले की जो उच्चतम गुणवत्ता है, इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर D, यानी एंथ्रासाइट हो जाएगा। जबकि सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है, तो वो जो है आपका पीट कोयला है। कौन सा है? पीट। और जो घरेलू कोयला होता है, घरेलू किसे कहते हैं, तो घरेलू जो है बिटुमिनस को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में कहाँ स्थापित की गई। तो राउरकेला जो है ये आपका कहाँ है, तो राउरकेला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी ओडिशा में हो जाएगा, सुंदरगढ़ जिला में। कहाँ हो जाएगा? सुंदरगढ़ जिला, यानी ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर में किस देश की सहायता से की गई। तो ये जो है भिलाई संयंत्र जो है किस देश की सहायता से की गई, तो ये जो है रूस की सहायता से, यानी ऑप्शन नंबर C जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। तो यह जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता जो है कौन सी है, तो इसका सही आंसर जो है आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी 1973 में। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो पेट्रो जो रसायन उर्वरक है, इसे किन किन उपवर्गों में जो है विभाजित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कृत्रिम रेशे, पॉलीमर, इलेस्ट्रोमर्स, यानी ऑप्शन नंबर D जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है। तो कितने प्रतिशत जो है चीनी का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी 8%। कितना प्रतिशत? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित सेक्टरों में से एक है। तो कौन सा उद्योग जो है विकसित सेक्टरों में से एक सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी सॉफ्टवेयर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के
लगभग 2% है। तो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% कौन सा है? तो वो जो है आपका ए और बी दोनों है, यानी आईटी सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग, यानी ऑप्शन ए और बी जो है दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस साधन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई? तो इसे जो है किस साधन न्यूनीकरण के आधार पर जो है की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हेबन ने सड़क पर चलती चलती कौन सी अजीब चीजों को देखा? तो हेबन ने कौन से चलती हुई अजीब चीजों को देखा? तो ये बस और गाड़ियां, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, इंजन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंजन जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो पहली बार सूती मिल की जो स्थापना है ये आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, खनिजों से तैयार वस्तुएं कौन सी है? तो खनिजों से जो तैयार वस्तुएं होती है वो कौन सी है? तो जैसे कि कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, यानी ये तीनों होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा किन संस्थानों के लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा जो है किन संस्थानों के लिए आवश्यक है? तो ये खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए, मशीनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कहाँ तक अनिवार्य है? तो खनिज पदार्थों का जो इस्तेमाल है हमारे जीवन में कहाँ तक अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर जो है जैसे कि सुई सुई से इमारत बनाने तक, बड़े जहाजों में, रेलवे लाइन में, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कुल उपभोग में पौष्टिक खनिज कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो पौष्टिक खनिज जो है कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा? ए, यानी 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? तो कौन सा चट्टान जो है एक ही खनिज से बना होता है? तो ये आपका चूना पत्थर जो है एक ही खनिज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपघर्षक खनिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अपघर्षक खनिज जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दंत मंजन के लिए। किसके लिए? दंत मंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सबसे नर्म खनिज कौन सा है? तो सबसे नर्म खनिज जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चूना। चूना जो है सबसे नर्म खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, खनिज क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो खनिज जो है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा समरूप तत्व। कौन सा है? समरूप तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो लौह अयस्क की जो सर्वोत्तम रूप है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है, हेमेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिजों की पहचान किस किस प्रकार से की जाती है? तो खनिजों की पहचान जो है हम कैसे कर सकते हैं? तो रंग से भी कर सकते हैं, कठोरता से भी कर सकते हैं, चमक से भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज का निष्कर्षण किसकी अनुमति के पश्चात ही संभव है? तो खनिज का जो निष्कर्षण है वो किसके अनुमति के पश्चात करते हैं? तो ये सरकार की अनुमति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा खनिज जो है महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज जो है कहाँ पाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अयस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लौह अयस्क में सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है? तो लौह अयस्क का जो सर्वोत्तम श्रेणी है वो कौन सा है? तो ए और बी जो है इसका दोनों राइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट और मैग्नेमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाए जाते हैं? तो कितने परसेंट जो है लोहांश होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत में लौह खनिज का कुल कितना उत्पादन मूल्य में कितना योगदान है? तो यह जो है कितना योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर किसमें पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है किसमें पाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों में, कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा लोहा कहाँ से प्राप्त
करता है। तो ये जो लोहा जो है कहाँ से ये प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झड़िया से। कहाँ से प्राप्त करता है, झड़िया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेवन अपने पिता के साथ गांव से कहाँ आया था, तो हेवन जो है अपने पिता के साथ गांव से कहाँ आया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुवाहाटी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा खनिज जो है महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है, तो अभी तक जो है कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है, 2000 से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है, तो सबसे कठोर जो खनिज है वो कौन सा है, तो वो आपका हीरा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, गाड़ियाँ किसकी सहायता से चलती है, तो गाड़ियाँ जो है किसकी सहायता से चलेगी, तो ये चलती है, ये किसकी सहायता से चलेगी, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, यानी मानव और इंजन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खाने कहाँ स्थित है, तो इसकी खाने जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है, यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं कैसे कैसे बनती है, तो धातुएं जो है कैसे बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विभिन्न खनिजों के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं, तो प्लेसर निक्षेप जो है किन खनिज को कहते हैं, तो ये जो है सोना, चांदी और टीन, तीनों को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं, तो सबसे कम मात्रा में जो पाए जाते हैं खनिज वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा, सोना, सीसा, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है, तो देखिए जीवाश्म खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जो जीवों के अंश से प्राप्त होता है उसे कहते हैं जीवाश्म खनिज, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से सबसे अधिक किसमें किया जाता है, तो मैग्नीज का जो उपयोग करते हैं सबसे अधिक वो करते हैं आपका, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस्पात के विनिर्माण में, किसके निर्माण में, इस्पात के विनिर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, परिस्थापन क्या है, तो परिस्थापन जो है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है, तो प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता जो है कौन सा गैस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, तो चूना पत्थर जो है किसका एक कच्चा माल है, तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है, तो मैग्नीज का जो उपयोग है वो किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी, ब्लीचिंग, कीटनाशक और पेंट बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्थान को प्रभावित नहीं करता है, तो उद्योग के स्थान को कौन नहीं प्रभावित करता है, तो वो आपका शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर कौन सा है, तो सबसे कठोर जो है वो आपका कौन सा है, तो हीरा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका पुग्गा घाटी लद्दाख में है, कहाँ है, पुग्गा घाटी लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरैया आयरन एवं स्टील वर्कर्स को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जो है पहले मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स के जो है नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो पहला कारखाना जो है हीरापुर में था, कहाँ था, हीरापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है, तो उड़ीसा जो है किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा हो जाएगा। ये जो है आपका पूरे जो है 5 चैप्टर का
पूरे एमसीक्यूज है, तो आप और भी चैप्टर का जा करके चैनल पे ना देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।